गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल फैकल्टी मेंबर्स वो आर वॉचिंग दिस चैनल ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ लोहिया कॉलेज चूरू। आज की व्याख्यान माला की श्रृंखला में मेरा जो टॉपिक है ये आइसोप्टेरा के क्लासिफिकेशन पे रहेगा। चूंकि हमारे यहाँ MSc स्पेशलाइजेशन पेपर एंटोमोलॉजी चलता है, तो एंटोमोलॉजी के सिलेबस में स्टार्टिंग में जो यूनिट है उसके अंदर जनरल क्लासिफिकेशन है और उसके बाद में 8 ऑर्डर है जिनका फैमिली तक डिटेल में क्लासिफिकेशन है। जनरल क्लासिफिकेशन के 3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आपसे शेयर कर चुका हूँ, और अब इंडिविजुअल ऑर्डर वाइज डिटेल में जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत है ये मैं आज कर रहा हूँ। तो अपना जो पहला जो ऑर्डर है ये आइसोप्टेरा के ऊपर रहेगा। आइसोप्टेरा के कॉमन करेक्टर्स क्या है, आइसोप्टेरा का मीनिंग क्या है, आइसोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो इन सभी पहलुओं पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। माई सेल्फ डॉक्टर KC सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया PG कॉलेज चूरू। माई ईमेल ID इज kcsibis@yahoo.com। आइसोप्टेरा का अर्थ क्या है? आइसो मीन्स इक्वल, टेरा मीन्स विंग, यानी ऐसे इंसेक्ट जिनके दोनों पंख शेप और साइज में इक्वल हो, इस तरह के इंसेक्ट को आइसोप्टेरा के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अंदर जो व्हाइट आंट जो होती है जिनको टर्माइट या दीमक के नाम से जाना जाता है, उन इंसेक्ट को इस ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। बॉडी इज माइन्यूट टू लार्ज, शरीर छोटे से बड़े आकार का होता है, माउथ पार्ट से चीविंग टाइप के होते हैं, आईज एंड ऑसिलाई कंपाउंड आई प्रेजेंट इन ऑल विंग्ड फॉर्म, बट इन विंगलेस फॉर्म कंपाउंड आई मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, डोर्सल ऑसिलाई मे बी एब्सेंट और देयर नंबर मे बी 2, एंटीना शॉर्ट एंड मोनालीफॉर्म और फिलीफॉर्म, विंग्स 2 पेयर विच आर सिमिलर इन नेचर, बोथ विंग्स आर मेम्ब्रेनस एंड दे सैड बाई ए बेसल फ्रैक्चर लाइन, क्यों पंख जो होते हैं इनके ये झड़ जाते हैं, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जलते जो बल्लब होते हैं उनके चारों ओर टर्माइट जो है इकट्ठी हो जाती है और पंख झड़ने के बाद में फिर वापस ये जमीन में चली जाती है। तो पंखों के झड़ने का जो तरीका है दे सैड बाई ए बेसल फ्रैक्चर लाइन। इन लेग्स टार्साई इज 4 to 6 सेगमेंटेड, इन एब्डोमन जेनेटिकली एबसेंट और वीकली डेवलप्ड, ए पेयर ऑफ शॉर्ट सरसाई प्रेजेंट। जनरल कॉमेंट्स, स्पेशल डिप्रेशन ऑन डॉर्सल ऑफ हेड कॉल्ड एज फोंटानेली। फोंटानेली क्या होता है, इनके जैसे अपने कपाल में अंदर स्कल बोन्स होती है उसी तरह इंसेक्ट के हेड में स्क्लेराइट्स होते हैं, 6 स्क्लाइट होते हैं बेसिकली, और 2 स्क्लाइट का जो फ्यूजन पॉइंट होता है उसे फ्यूजन लाइन को सल्कस या शूचर के नाम से जाना जाता है। कई बार 2 एग्जोस्केलेटन के बीच में, 2 हेड स्क्लेट के बीच में फ्यूजन इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है और उनके बीच में छोटी मेम्ब्रेनस जो एरिया होती है वो रह जाती है, इस एरिया को फोंटानेली के नाम से जाना जाता है। तो स्पेशल डिप्रेशन ऑन डॉर्सम ऑफ हेड विच इज कॉल्ड एज फोंटानेली। आइसो मीन्स सेम, विंग्स मीन्स सिमिलर, तो सिमिलर विंग के जो इंसेक्ट है, सेम विंग के जो इंसेक्ट है उनको इस ऑर्डर में रखा गया है। विंग्स सिमिलर इन शेप एंड साइज, ये जैसे कि ये ग्राफिकल फिगर देखा है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये ग्राफिकल डायग्राम है और इसमें आप देख रहे हो दोनों पंखों की शेप और साइज इनका वेनेशन है वो लगभग बराबर है, इसलिए आइसोप्टेरा के अंदर रखा है। आइसोप्टेरा में जितने भी इंसेक्ट हैं वो सोशल इंसेक्ट होते हैं, सामाजिक इंसेक्ट होते हैं, इनकी बाकायदा सोसाइटी होती है और हायरार्की के अकॉर्डिंग, वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका फिर क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर। इसमें जो रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है उसके अंदर मेल होते हैं, क्वीन होती है, जिस तरह मधुमक्खी में जैसे ड्रोन होता है क्वीन होती है, तो यहाँ पर फर्टाइल मेल है, फर्टाइल फीमेल है। और नॉन रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी जो होती है इसके अंदर वर्कर्स होते हैं और सोल्जर्स होते हैं, तो ये इनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। इसमें रिप्रोडक्टिव कास्ट मेल एंड क्वीन,
नॉन रिप्रेजेंटेटिव कास्ट, वर्कर एंड सोल्जर। और वर्कर और सोल्जर जो है इनके माउथ पार्ट्स में डिफरेंट मिलेगा, आगे इसका फिगर आएगा उसमें आप देखना। हाँ, जेनेटिकल कंट्रोल कास्ट, इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसमें भी एक अलग से व्याख्यान हो सकता है जो बाद में मैं डिलीवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव कास्ट है वो क्विंग हो गए, क्वीन होगी। नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट में सोल्जर्स हो गए और वर्कर्स हो गए। अब यहाँ पर आप माउथ पार्ट देख रहे हो, सोल्जर के जो माउथ पार्ट है इसमें आगे ये है फोरसेप की तरह होते हैं, वर्कर के जो माउथ पार्ट हैं वो इतने डेवलप नहीं होते हैं, इतने च्यूइंग टाइप के नहीं होते हैं। आइसोप्टेरा इंक्लूड टोटल 7 फैमिलीज, टोटल 7 फैमिली है इसमें। ये फैमिली क्रम्स है होडोटर्माइटिडी, मेस्टोटर्माइटिडी, कैलोटर्माइटिडी, टेम्पोसिटी, रिनोटर्माइटिडी, सेरिटर्माइटिडी और टर्माइटिडी। कुला के इस आइसोप्टेरा ऑर्डर में 7 फैमिलीज हैं उनको शामिल किया गया है। हर फैमिली में क्या क्या लक्षण है, क्या क्या मेन एग्जाम्पल है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। फर्स्ट फैमिली इज होडोटर्माइटिडी। होडोटर्माइटिडी को हार्वेस्टर टर्माइट के नाम से भी जाना जाता है। हिंडविंग विदाउट एनल लोब, फर्स्ट जो पंख है उसके अंदर एनल लोब नहीं पाया जाता है। टार्साई 4 सेगमेंटेड होती है। फोंटेनेली एंड ऑसिलाई एबसेंट होती है। ऑल कॉस्ट विथ कंपाउंड आई, सभी कास्ट के मेंबर्स में कंपाउंड आई पाई जाती है। प्रोनोटम सैडल शेप होता है। एंटीरियर विंग्स में स्केल्स छोटे होते हैं। वर्कर्स इनके कास्ट में पाए जाते हैं, एग्जांपल होडोटर्मिस एंड माइक्रो होडोटर्मिस। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये होडोटर्मिस का है। नेक्स्ट फैमिली इज मेस्टोटर्माइटिडी। इसके जो मेन कमेंट्स है, हाइंड विंग विथ लार्ज एनल लोब, हाइंड विंग में बड़े आकार के एनल लोब्स पाए जाते हैं। टार्साई 5 सेगमेंटेड होती है। फोंटेनेली एब्सेंट होता है। ओसिलाई प्रेजेंट होती है। शूडर गेट्स बट नो ट्रू वर्कर्स, ये वर्कर्स की ओरिज में सब टाइप्स होती है, तो शूडर गेट्स बट नो ट्रू वर्कर्स, एग्जाम्पल इज मेस्टोटर्मिस। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये मेस्टोटर्मिस का डायग्राम है। नेक्स्ट फैमिली इज कैलोटर्माइटिडी। इनको कॉमनली ड्राई वुड टर्माइट के नाम से जाना जाता है। इनके जो मेन कॉमेंट्स हैं उनमें हाइंड विंग विदाउट एनल लोब, फर्स्ट पंखों में एनल लोब अनुपस्थित होता है। टार्साई 4 सेगमेंटेड होती है। फोंटेनेली एब्सेंट होती है। ओसिलाई प्रेजेंट होती है। प्रोनोटम फ्लैट होता है, ब्रॉडर देन हेड, हेड की तुलना में चौड़ा होता है। एंटीरियर विंग स्केल लार्ज, नो ट्रू वर्कर्स, एग्जाम्पल नियोटर्मिस एंड कैलोटर्मिस। नेक्स्ट फैमिली इज टर्मोप्सिडी। इनको कॉमनली डैम्प वुड के नाम से जाना जाता है। हाइंड विंग विदाउट एनी एनल वैन, हाइंड विंग में पश्च पंखों में एनल सिराइनी होती है। टार्साई 4 सेगमेंटेड होती है। फोंटेनेली अनुपस्थित होती है। प्रोनोटम फ्लैट होता है, नेरोवर देन हेड, हेड की तुलना में प्रोनोटम संकरा होता है। एंटीरियर विंग स्केल लार्ज होती है। शूडर गेट्स एंड नो ट्रू वर्कर्स, एग्जाम्पल जू टर्मोप्सिस एंड स्टोलोटर्मिस। इन दोनों के फिगर आप देख लो, ये जू टर्मोप्सिस का फिगर है, ये स्टोलोटर्मिस का फिगर है। नेक्स्ट फैमिली इज रिनोटर्माइटिडी। इनको डैम्प वुड टर्माइट के नाम से भी जाना जाता है। इनके मेन कॉमेंट्स में हाइंड विंग विदाउट एनल लोब, पश्च पंखों में एनल लोब अनुपस्थित होता है। टार्साई 4 सेगमेंटेड होती है। फोंटेनेली प्रेजेंट होती है। ओसिलाई प्रेजेंट होती है। प्रोनोटम फ्लैट होता है। विंग रेटिकुलेट होते हैं, यानी जाली के समान रेटिकुलम, राइट। एंटीरियर विंग स्केल यूजुअली लॉन्ग, अगर पंखों के जो शल्क हैं वो प्राय लंबे होते हैं। वर्कर्स प्रेजेंट, एग्जाम्पल सेमोटर्मिस, कॉप्रोटर्मिस, रिनोटर्मिस। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये सेमोटर्मिस का है और ये जो फिगर है ये रिनोटर्मिस का है। नेक्स्ट फैमिली इज सेरिटर्माइटिडी। इनको ब्राजील टर्माइट के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि मैक्सिमम मेंबर है वो ब्राजील्स में पाए जाते हैं, मेंडिबल बिजेरी फाल्केट इन वर्कर्स एंड अडल्ट कास्ट एंड दे आर वेरी कॉमन इन ब्राजील। एग्जाम्पल इज सैरी टर्माइटिस, ये आप देखो इसमें ये सभी कास्ट मेंबर्स दिखाए हैं इसमें सेरोटर्माइट्स के। ये जैसे वर्कर्स हैं इसमें, ये नाश्यूट शोल्डर है, ये मैंडिबल शोल्डर है, ये पंखयुक्त रिप्रोडक्टिव फीमेल है, ये प्राइमरी किंग है, ये प्राइमरी क्वीन है, ये सेकेंडरी क्वीन है। प्राइमरी क्वीन होती है ये जैसे फर्टाइल का दिखा है इसके, इसके अंदर जो यूट्रस है उसके अंदर फर्टाइल जाइगोट है वो है और उनका डेवलपमेंट, तो इनकी जो यूट्रस होती है एनलार्ज हो जाती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान। ये स्पेसिमन अपने म्यूजियम पे भी पड़ा है और बच्चे इसको एक जार में देख सकते हैं। जार में सारे मेंबर हैं, उसमें किंग भी है, क्वीन भी है, वर्कर्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं। नेक्स्ट फैमिली इज टर्माइटिडी, इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको ग्लोबल टर्माइट के नाम से भी जाना जाता है। दे आर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी विश्वव्यापी इनका वितरण है। 75% ऑफ ऑल टर्माइट स्पीसीज, 75% स्पीसीज है वो इसी फैमिली से बिलोंग करती है। हाइंड विंग विदाउट एनलोब, पशुपंख में कोई एनलोब नहीं पाया जाता है। टार्साई 4 सेगमेंटेड होती है, फोंटेनेली प्रेजेंट, ओसिलाई प्रेजेंट, प्रोनोटम नैरो विथ रेज्ड एंटीरियर लोब, प्रोनोटम शंकरा होता है जिसमें एंटीरियर लोब है थोड़ा उठा हुआ होता है। दे आर ग्राउंड ड्वेलिंग विथ वाइड रेंज ऑफ फूड हैबिट, जमीन पे ये मुख्यतः चलती है, फूड हैबिट इनकी वाइड रेंज है। और कॉलोनी स्ट्रक्चर, कॉलोनी बना के रहती है और इनकी कॉलोनी का जो हाउस होता है उसको माउंड के नाम से जाना जाता है। कुछ माउंड जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, कुछ माउंड है वो जमीन के ऊपर भी बनते हैं। इसके मेन एग्जांपल है इसमें एनोप्लोटर्मिस टर्मिस, कैपिटर्मिस, नाशूटी टर्मिस और माइक्रोटर्मिस, ये इनके मेंबर है। ये जो टर्माइट है ये अपने यहाँ भी मिलती है, काफ़ी कॉमन है। और टर्माइट एक बहुत बड़ी समस्या है हाउस बिल्डिंग में, क्योंकि घरों के जो गेट हैं, फर्नीचर्स हैं, उन सभी को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सेलुलोज इनका मेन फंक्शन होता है। तो ये ओवरऑल एक जनरल सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑर्डर आइथोप्टेरा का, और इनके अंदर 7 फैमिलीज हो गई है। और MSc फाइनल के जो स्टूडेंट है उनमें सेकेंड यूनिट में जो क्लासिफिकेशन है वो फैमिली तक आएगा क्वेश्चन। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी PPT को आप ध्यान से सुने, इनके नोट्स बनाएं और आप फील्ड में जब भी गए तो इंसेक्ट का कलेक्शन भी आप स्टार्ट कर दें, इंसेक्ट की फोटोग्राफ लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपके कलेक्शन प्रैक्टिकल में कलेक्शन के रूप में ये काउंट होगा। और चूँकि ये क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आप बार बार इस स्लाइड को आप देखें, इनको मनन करें और फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा घूमें। तो फील्ड में घूमोगे तो आपको सैकड़ों तरह के इंसेक्ट, यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी कम से कम 400 तरह के इंसेक्ट हमने देखे हैं। और हमारे म्यूजियम में एंटोमोलॉजी का जो म्यूजियम है उन म्यूजियम में सभी ऑर्डर्स के इंसेक्ट का बहुत अच्छा कलेक्शन है और हर साल बच्चे इंसेक्ट कलेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर का जो बेस्ट था हमारा बहुत बेस्ट था और उन बच्चों ने कम से कम 100 वेराइटी के अलग अलग इंसेक्ट का कलेक्शन किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इंसेक्ट कलेक्शन है वो स्टार्ट कर दें और उनको स्प्रेड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी क्या टेक्निक है, इस संबंध में मधु मैडम जो है वो आपको एक व्याख्यान डिलीवर करेगी। आपने व्याख्यान ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।